कुंडवाचन बाजार में बहुत भेदभाव के साथ अतिक्रमण मुक्त हुआ है। यहाँ सिर्फ गरीबों का झुग झोपड़िया तोड़ा गया है और दबंग या अपराधी कहे या राजनीतिक उनके ऊपर साया है रणनीतिक लोगों का, उनका मकान नहीं तोड़ा गया है। प्रशासनिक और साथ में राजनीतिक दबाव है, ये दोनों मिलकर इसे मोटी रकम लेकर और वहाँ पे चुप बैठ गया। इसमें बड़े बड़े अधिकारी का भी हाथ है, सब उनको पता है। सवाल जवाब पूछने पर उन्हें धमकी दिया जाता है झूठे मुकदमा में फंसाने के। कल हम लोग ने ही पूछे थे उनसे कि ये मैडम जो चिन्हित किया गया उनको तो खाली कर दिया जाए, तो क्यों कौन होते आप लोग पूछने वाला। ये प्रशासन पर लगा भेदभाव करने का बड़ा आरोप, अमीरों के बजाय गरीबों का हटाया जा रहा है अतिक्रमण। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के कुंडवा चैनपुर बाजार की है। प्रशासन एवं अंचलाधिकारी के द्वारा अतिक्रमण को खाली कराया गया, जिसमें गरीब समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अतिक्रमण हटाने से मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रशासन इसमें भेदभाव क्यों कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अमीरों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ गरीबों का अतिक्रमण क्यों हटाया जा रहा है। चैनपुर से राजा कुमार शाह की रिपोर्ट। कुंडवाचन बाजार में बहुत भेदभाव के साथ अतिक्रमण मुक्त हुआ है। यहाँ सिर्फ गरीबों का झुग झोपड़िया तोड़ा गया है और दबंग या अपराधी कहे या राजनीतिक उनके ऊपर साया है रणनीतिक लोगों का, उनका मकान नहीं तोड़ा गया है। जो आपको जीता जाएगा धन जो सभी जगह चिन्हित भी किया गया है, कुछ जगह ऐसा है जहां पहले एक रात पहले उनको मिली जुली सरकार मिलाकर प्रशासन को कुछ जगह चिन्हित भी नहीं किया गया, कुछ जगह चिन्हित भी किया गया उनको तोड़ा भी नहीं गया, जो आप सभी जगह चिन्हित देख सकते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनंत कुमार हुआ, मैं एक आरटीए एक्टिविस्ट हूँ। क्या कहना चाहते हैं बताएं। कहना चाहते हैं बिहार में जैसे मैं गरीब बंदे का झोपड़ी तोड़ दिया गया, उसी तरह मकान टूट जाएगा सबका, जितना लोग का दुख है सब दुख खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबका लोग को मकान पे ही फोकस है। ये गरीब मजदूर का जिससे रोटी रोजी बाजार से चलता था तो झोपड़ी का तोड़ दिया गया, ये मकान को भी उसी तरह तोड़ा गया। और भी कुछ मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? और सरकार से ही मांग करते हैं बड़ा का सही तरह से मरम्मत हो जाए, नाला का ये सब का निर्माण हो जाए। अपना नाम बताएं। अवनीश शाह। क्या कहना चाहते हैं? बाजार का मतलब इस गांव का नागरिक हूँ, मैं कहना यही चाहता हूँ बाजार अतिक्रमण जल्दी से जल्दी कुछ मुक्त हुआ है गरीबों के साथ में, लेकिन अमीरों का बाजार अतिक्रमण वो मुक्त बाकी है, जो कि लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि अमीरों का घर क्यों नहीं टूट रहा। आखिर प्रशासन सब बात जानती है, लेकिन प्रशासन इसमें हस्तक्षेप इसलिए नहीं करी क्योंकि प्रशासनिक और साथ में राजनीतिक दबाव है, ये दोनों मिलकर इसे मोटी रकम लेकर और वहाँ पे चुप बैठ गया। इसमें बड़े बड़े अधिकारी का भी हाथ है, सब उनको पता है। बड़े बड़े लोग का दुकान नहीं टूटा है, धनी मनी लोग का, गरीब लोग का टूट गया है, सब हम लोग बेघर हैं। इसके ऊपर सरकार जो है उसको बोलना बहुत। अपना नाम और परिचय दे। मेरा नाम चमन कुमार। चमन जी, आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं इस अतिक्रमण हटाने के लेकर, क्या कैसा लगा? अतिक्रमण हटने से खुशी है या किस प्रकार की दिक्कत है? हटने से खुशी नहीं है, गरीबों की मतलब सारा झुग्गी झोपड़ी तोड़ा गया, और जो मतलब अतिक्रमण का रखा मतलब ना सीओ साहिबा बता रही है, तो प्रशासन बता रही है, अब इसका निर्णय पब्लिक में आक्रोश हो चुका है। अब सीओ साहिबा बताएगी कि मतलब इसे यदि पब्लिक का आक्रोश का क्या करेंगे, पब्लिक को जवाब सीओ साहिबा देंगे। यहाँ उनसे मतलब मैं बता रहा हूँ, वहाँ उनसे कुछ सवाल जवाब पूछने पर उन्हें धमकी दिया जाता है झूठे मुकदमा में फंसाने के। कल हम लोग ने ही पूछे थे उनसे कि ये मैडम जो चिन्हित किया गया उनको तो खाली कर दिया जाए, तो क्यों कौन होते आप लोग पूछने वाला। ये कौन सा अधिकार है आपके पास दे दिया, कौन से संविधान में लिखा गया है कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, हम पूछ सकते हैं? ये कर्तव्य है सभी लोगों का, लेकिन यह झूठे मुकदमे के फंसाने की धमकी दिया जाता है, नाम लिख लिया जाता है झूठ मूठ को, एक ऐसा अधिकार है हम इससे सीओ मैडम से पूछना चाहते हैं।